given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. Hello and welcome back to another episode of the Gangstar Vegas. तो यार ये रहा हमारा जैसन और सामने खड़ी हमारी जी क्लास की मर्सिडीज जो कि गोल्डन कलर में काफ़ी सही लग रही है। और यार ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हमने डेविल वाला मिशन करा था वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। तो यार अब हम ना डेविल 2 का मिशन करने जा रहे हैं जो कि ना इससे भी ज़्यादा टफ होने वाला है जो हमने लास्ट वीडियो में करा था। मतलब कि ना यार मुझे तो लगता है कि ना इस पूरे गैंगस्टर वेगास में ना जो डेविल वाली सीरीज है ना वो काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो यार अभी तो हमारी गोल्डन कलर की जी क्लास की मर्सिडीज़ को लेके चले गए और देखो ये पास में ग्रीन कलर की जो कि ना बिल्कुल सही नहीं लग रही है, हमारा कलर ना बिल्कुल एकदम एनहेंस कर रहा है गोल्डन वाला। तो यार चलो अभी ना फटाफट से डेविल के पास वापस से चलते हैं क्योंकि अभी ना हमें हमारा पूरा काम पूरा हुआ नहीं है। क्योंकि यार कमेंट में भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि यार बस ये बता दो कि यार डेविल वाला मिशन को कैसे करना है। तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब एमओ हेल्थ और आर्मर की तो मतलब बात ही मत पूछो, थोक भाव में लगते हैं ये तो। तो यार बस इतना ही कहूँगा कि यार इस वीडियो को देखते जाओ, पूरा एंड तक देखो और देखो कि मतलब डेविल वाले मिशन को कैसे मैंने कंप्लीट कराया इजी तरीके से। तो यार यहाँ पे ना मैं अब डेविल की लोकेशन पे आ गया हूँ जो कि मेरी मर्सिडीज़ जी क्लास को यहीं पे खड़ी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसको वापस से इसी को लेके जाना है आगे। तो यार यहाँ पे तो मुझे डेविल ने मिशन दे दिया है, वो उसने बोला है कि हमें परेड में जाना है। तो चलो अभी तो हम फटाफट से बैठ जाते हैं हमारी जी क्लास की मर्सिडीज़ जो कि गोल्डन कलर की है। हालांकि मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ लेकिन क्या ही बताऊँ यार, इतनी खास गाड़ी मतलब इतनी खूबसूरत लगती है कि बार बार बोलता ही रहता हूँ मैं इस बारे में। तो चलो सामने हमें उस परेड में जाना है और फिर देखते हैं कि यहाँ के जो लॉस वेगास के मेयर हैं उनकी परेड होने वाली है, तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या होता है। तो यार चलो अभी तो मैं फ़िलहाल से एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर शॉप में जाता हूँ, जेसन का ना हुलिया बदल लेता हूँ क्योंकि यार भाई उस परेड में ना पुलिस वाले भी होंगे और पुलिस वाले तो हमें जानते हैं जेसन को कि जेसन कितना बदमाश आदमी है। तो यार अगर हम ऐसे उनके सामने जाएंगे तो मतलब कुछ भी हो सकता है, वहाँ की आर्मी हमें पहचान जाए। तो यार मैं इसके कपड़े बदल देता हूँ, तो ये वाला जैकेट और ये वाली इसको मैं पैंट पहना देता हूँ, जीन्स जो कि ठीक ठाक ही लग रही है। तो यार अब मैंने इसके बाल जो कि बहुत ज़्यादा टाइम से हमने इसके बाल कटिंग नहीं करवाई, तो यार मैं देखता हूँ कि कुछ अच्छा सा इसको रख दूँ, ये छोटी वाले तो मुझे नहीं लगता कि इस पर सूट कर रहे हैं। तो यार ये कैप बहुत ज़्यादा डोप शोप लग रही है लेकिन बहुत सही लग रही है वो कैप। तो यार मैं और देखता हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है यहाँ पर, और ये वाली यार मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है क्योंकि यार इसमें ना इसकी बियर्ड भी है और मतलब थोड़ा जेंटल भी लग रहा है ये। इसके हेयर के कलर्स देख लेता हूँ मैं, मुझे लगता है कलर तो शायद यार ब्लैक ही सही लग रहा है। तो यार चलो मैंने ये इनके कलर, और यार एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मिशन करने के लिए ना हमें एक मतलब रॉकेट लॉन्चर चाहिए जो यार आपको आगे समझ में आएगा कि आखिर हमें ये रॉकेट लॉन्चर क्यों चाहिए। तो यार ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा रॉकेट लॉन्चर है, ये वाला हमारे बजट में है, इतना हमारे पास पैसे भी है फिलहाल। तो यार मैं इसको यहाँ पर फटाफट से ख़रीद लेता हूँ और भाई आगे आपको पता चलेगा कि इसका क्या काम होने वाला है। तो यार देखो यहाँ पे हम आ गए हैं मेयर की परेड में और भाई साहब देखो क्या शान और शौकत से यहाँ पे निकल रहा है, मतलब दो आगे इसके बाइक्स चल रही है और पीछे इस मेयर की गाड़ी में अनाउंसमेंट करते जा रहा है वो, मतलब क्या ही बताएं, मतलब पूरा नज़ारा देखने लायक हो रहा है और सारी पब्लिक वेगास की इकट्ठी हो गई यहाँ पर और देख रही है। तो यार देखो अभी तो फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी पुलिस है, एक गन हमारा जेसन लेके घूम रहा है भाई, इसको यार कितना मतलब क्या ही बोले इसको, देखो ये पुलिस वाले ने हमको देख लिया क्योंकि एक गन लेके आ रहा था, जेसन भी ना यार ज़रा नहीं मानता है। तो यार चलो फटाफट से इन सभी को मैं यहाँ पे मार देता हूँ क्योंकि अब तो मतलब हमने पंगा ले लिया है। तो यहाँ पर तो मैं इन सबको मारता हूँ। तो यार अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यार मतलब आप लोग पूछते हैं कि इस मिशन को कैसे करना है, तो यार इसका एक ही जवाब कि देख लो लेफ्ट साइड में मेरी जो मैप के नीचे जो आप देख लो हेल्थ मेरी 10 है और जो वेस्ट है मेरे पास 7 है। और तो यार मतलब एमओ की तो बात ही मत करो, मैंने फुल गन कर रखी है, देखो एक ये सेकेंड गन है मेरे पास जो कि शॉर्ट गन है, मैं अभी इसका यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस स्कारल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो हमारे पास AR गन है, क्योंकि यार उसकी ना एमओ 600 ही है और उसकी एमओ हमें आखिरी तक चाहिए क्योंकि अगर वो एमओ ख़त्म हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी शुरुआत में इन सभी को ये इतने ज़्यादा कोई हार्ड मतलब पुलिस वाले नहीं है तो 1 स्टार समझ लो, तो मैं इनको ना इस शॉर्ट गन से ही मार रहा हूँ ताकि जितनी ज़्यादा हो सके हमारी एमओ बच सके। और अभी आगे ही रॉकेट लॉन्चर का काम होने वाला है। तो यार आप देखो मतलब इस वीडियो में ना बहुत ज़्यादा धूम मचने वाली है। तो यार मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इस मिशन को करने में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब अब मत ही पूछो यार, आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो यार फिलहाल तो मैं इनको धीरे धीरे से ही मार रहा हूँ शॉर्ट गन से, हालाँकि ये बोरिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी ज़्यादा एमो नहीं है उस सेकेंड गन में, हालाँकि हमने उसको फुल रिलोड कर लिया लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी एमो नहीं है, उसकी कैपेसिटी 600 है। तो यार देखो अब यहाँ पर हमारा काम आएगा रॉकेट लॉन्चर। तो यार जैसा कि अब हमने ख़रीदा था इसमें 14 रॉकेट लॉन्चर अभी भी अवेलेबल है, अब 13 बचे हैं। तो यार इन सभी को तो मैं यार रॉकेट लॉन्चर से मार देता हूँ ताकि हमारी सारी एमओ बचेगी और ये फटाफट से मर जाएंगे।
और ये बहुत सारे आ गए, लेकिन रॉकेट लॉन्चर है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक मैंने मारा और ये सारे देखो एकदम से मर जाते हैं। तो यार बस एक ही और, थोड़ा सा और इनको मारना है फटाफट से। और ये मैंने अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरी एआर निकाल ली है यार, क्या ही करो, मतलब अब निकालना ही पड़ी मुझे। तो यार देखो अब यहाँ पे ये सीन है कि ये देखो मेयर की गाड़ी के पास में दो और पुलिस वाले थे जिनको हमने मार दिया, मेयर देख रहा है। तो यार मतलब देखो ये हमारा ब्लास्ट ही हो गया, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंडीशन मतलब बहुत दिक्कत वाली हो गई, चारों तरफ मतलब आँख धुआं होने वाला है। और ये देखो अब मेयर ने इसके मतलब त्रुप के इक्के निकाल दिए हैं इसने, अब देखो इनको हमें मारना है। तो यार मैं सोच रहा हूँ कि ये वाली गन से तो इनको ज़्यादा नहीं मारूँ यार, मैं मेरी वापस से अपनी शॉट गन निकाल लेता हूँ, क्योंकि आगे हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि यार मतलब यहाँ पे ना इतने ज़्यादा पुलिस वाले, इतने गार्ड्स और इतने मतलब मारने के लिए हमें आते हैं कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम रॉकेट लॉन्चर या ये दो गन एक्स्ट्रा और नहीं रखते तो मतलब इस मिशन को कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप इसको करना चाहते हो ना यार, तो मतलब आपको तो पहले तो दो गन एक्स्ट्रा खरीद के रखना पड़ेगी, एक एआर और एक कोई सी भी, अगर चाहो तो दो आर ले सकते हो, दो एआर अगर आपके पास इतना पैसा है तो, और एक रॉकेट लॉन्चर तो ज़रूर लो ही लो, मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि इसका ना बहुत ज़्यादा काम पड़ता है यहाँ पर। और अगर आपके पास इतना पैसे नहीं है उस गन को गिरा को खरीदने के लिए, तो आप यार मुझे कमेंट में बता सकते हो कि यार मतलब पैसे कैसे कमाए। तो मैं आपको एक वीडियो बना के बता सकता हूँ कि यार इस गैंगस्टर वेगास में मतलब पैसे कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो अगर आप मुझे चाहते हो तो कमेंट में बता देना। तो यार यहाँ पे तो मैंने अब मेरी एआर निकाल ली है, क्योंकि अब मुझे ठीक है, अभी तो मेरे पास 470 एमओ है इसमें, और मुझे लगता है कि अब काफ़ी हो भाई साहब, यहाँ पे तो ब्लास्ट हो गया। और ये देखो ये आर्मी के टैंकर आ गए। मैंने जैसा कि बोला था ना कि यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी मचने वाली है धूम, इसलिए मैंने अब देखो अब मेरा वापस से रॉकेट लॉन्चर निकालने का टाइम आ गया है, और रॉकेट लॉन्चर से इनको मारूंगा। क्योंकि यार ये देखो बहुत सारे ये आर्मी के बंदे हैं, इनके पास ना एआर रहती है, हालांकि जो पुलिस, जो वेगास की पुलिस है उनके पास पिस्टल रहती है, उससे हमें इतना डैमेज नहीं होता है, लेकिन इनके पास ना यार बहुत ज़्यादा खतरनाक एआर होती है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डैमेज देती है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर अपनी एआर निकालनी पड़ेगी और रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर हमारा काम आ गया। तो यार देखो फिलहाल तो अभी हमारे पास 10 हेल्थ बची है और 4 वेस्ट बचे हैं। तो यार फिर भी देखो अभी आपको पता चलेगा कि यार आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो यहाँ पे 10 हेल्थ बची है अभी इसके पास और 4 वेस्ट बचे हैं, काफ़ी है ये तो। नहीं भाई काफ़ी नहीं, अभी एक आर्मी का टैंकर आएगा ना तो भाई वो हमारी हालत ख़राब कर देगा। मतलब यूँ समझ लो कि 1 से 2 सेकेंड में हमारा जो हेल्थ है जो 10 है वो 9, 8, 7 होने लग जाएगी, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी मतलब हमारी यूज़ करने लगेगी वो हेल्थ किट। तो यार बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होने वाली है। तो यार इस गाड़ी को तो मैंने उड़ा दिया है, देखो अब देखते हैं यहाँ पे। देखो ये वाला जो आर्मी का जो टैंकर है भाई, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसके जो गन लगी है बहुत ज़्यादा फायरिंग रेट की है, मतलब यार क्या ही पूछो, बहुत ज़्यादा तेज़ फायर रेट करती है। और इस आर्मी टैंक के फायर करने के अलावा आसपास जो पुलिस वाले खड़े हैं वो भी फायर कर रहे हैं, मतलब आप समझ जाओ। अब मेरी हेल्थ किट पर आप ध्यान दो यहाँ पर लेफ्ट में कि कितनी जल्दी ज़्यादा मतलब मेरी कंज्यूम हो रही है ये हेल्थ किट। और देखो वेस्ट की तो बात ही मत पूछो कितनी जल्दी जा रहा है। तो यार मैंने इनको फटाफट से रॉकेट लॉन्चर से इस टैंक को उड़ा देता हूँ, क्योंकि यार हमने रॉकेट लॉन्चर बस इसी के लिए ख़रीदा था। तो फिलहाल तो मेरे पास रॉकेट लॉन्चर की एमओ खत्म हो गई, मतलब मिसाइल ख़त्म हो गई। तो अभी एआर मैंने ले ली हाथ में और मैं इसी को फायर करते जा रहा हूँ। तो यार मेरी हेल्थ किट देखो अभी बहुत ज़्यादा जल्दी डाउन होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आर्मी के ऑफिसर भी जो हमें मार रहे हैं। तो यार देखो फिलहाल तो मैं कोशिश करता हूँ इनको मारने की, अब मेरे पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, एमओ भी ज़्यादा नहीं बची है और मेरे पास हेल्थ किट भी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं इनको मारने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं अब आगे क्या ही होता है। तो यार देखो अभी तो फिलहाल 8 हेल्थ किट बची थी, अब 7 हेल्थ किट बची और अब देखो 6 हेल्थ किट बची है। और यार भाई बहुत ज़्यादा जल्दी जा रही है, क्योंकि हमें बहुत तरफ से फायर हो रहा है, 5 हेल्थ किट ही बची है अब हमारे पास। तो फिर भी मैं कोशिश में लगा हूँ इन सभी को मारने के लिए यार, इसीलिए तो बोला था कि ये डेविल वाला मिशन जो है बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यार मैं यहाँ पे फिलहाल तो छुप गया हूँ, क्योंकि उसका ना पॉइंट वहाँ पे वो भाई साहब, ये तो चारों तरफ से मारता, 1 हेल्थ किट बची है, मेरे पास 0 हेल्थ किट बची है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है, उन सभी को मारने की कोशिश करना है। तो यार फाइनली मतलब जैसे तैसे करके वो सारे मर गए, और यहाँ पर मतलब भाई साहब यहाँ पे डेविल ने अपना काम बता दिया। तो यार यहाँ पे ये देख सकते हो इसने डेविल का रास्ता रोक दिया, और जो मेयर का जो ड्राइवर था वो तो पहले ही डर के भाग गया है। तो यार अभी तो हमारा जेसन इस मेयर की गाड़ी के पास पहुँच गया है, उस गाड़ी में बैठ गया है। तो यार अब हम इस मेयर को बताते हैं कि आखिर हम क्या ही करते हैं। देखो तो यार जो डेविल था ना, इसने इन आर्मी ऑफिसर्स को भी चक्कर खिला दिया, मतलब यार इन्होंने क्या ही बोलूँ मैं, मतलब अब तो हमारे पास फिलहाल तो मेयर की गाड़ी आ गई है, लेकिन यार अभी इस गाड़ी में ना 4-स्टार पुलिस लग गई। तो फिलहाल सबसे पहले तो हमें ना इस 4-स्टार की पुलिस को छुड़ाना है। यार मतलब ये पुलिस छुड़ाने वाला काम ना मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, मतलब यार बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब
कभी कभी तो ना यार काफ़ी समय लग जाता है और कभी कभी तो बहुत ईजी से पीछे छूट जाती है, लेकिन फिर भी देखो अभी अपने ये मतलब पूरा काम तो करना ही है, तो यार देखो अभी देखता हूँ कि जल्दी से जल्दी छूट जाए, इसके बाद आगे हमें क्या करना है ये इसके बाद ही पता चलेगा। तो यार चलो यहाँ पे तो फटाफट से पुलिस हमारे पीछे छूट गई है और हमें 350 मीटर पर एक पॉइंट आ रहा है जहाँ वहाँ पर हमें ब्रिज के पास जाना है और यार मतलब उस ब्रिज से हमें इस गाड़ी को लॉन्च करना है। मतलब अब क्या ही बताऊँ मैं, आप आगे खुद देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि मतलब क्या ही हरकतें हैं ये डेविल की। और भाई ये रास्ते में मेयर बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, मतलब यार स्पीकर में ये बोले ही जा रहा है, मन तो ऐसा कर रहा है कि इसको उतर के ना अभी दे दूँ। तो यार देखो सामने हमें इस गाड़ी को यहाँ से कुदाना है जो कि मेयर की गाड़ी है, मतलब यूँ समझ लो कि मौज ही कराना है मेयर को। तो यार देखो यार एक पॉइंट हमने चेक पॉइंट क्लियर करा, उसके बाद से फिर से पुलिस लग गई 4 स्टार। तो यार अभी इनको फिर से छुड़ाना है यार, मतलब बहुत ज़्यादा टफ है यार ये सारा पूरा, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि डेविल वाला जो मिशन है ना बहुत ज़्यादा टफ है इस गैंगस्टर वेगास में। तो यार देखो आर्मी के टैंक आ गए, मैं इधर पीछे से डाल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इस पुलिस वालों से कैसे पीछे छुड़ाना है। तो यार जितना हो सके ना इनसे दूर जाने की कोशिश करो यार, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूर, क्योंकि दूर जाओगे तो फिर से ये वहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन यार जितना भी हो इस रेड कलर के रेडियस से यहाँ से बाहर निकल जाओ, मतलब छूट तो जाएगी, फिलहाल तो छूटना ही पड़ेगी, इनको क्या ही कर सकते हैं। तो यार देखो यहाँ पे फिर से हमने पुलिस को छुड़ा दिया और अब हमें जंप करना है और पास टू द क्रैक ओपन द आर्मर का। तो यार यहाँ पे हम ब्रिज पे आ गए फटाफट से, फिर से एक बार वो जंप करा दी और देखो यार फिर से पुलिस लग गई है। क्या ही बोलूँ अब इससे ज़्यादा टफ मिशन और क्या होगा भाई गैंगस्टर वेगास में। तो यार उस पुलिस को जैसे तैसे करके मैंने मतलब छुट्टी कराई और फिर मैं यहाँ पे आ गया हूँ बिल्कुल पहाड़ी पे डेजर्ट वाले एरिया में। तो यार अब इस मेयर की गाड़ी को ना मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब मैं समझ गया हूँ कि वहाँ पे चेक पॉइंट है, तो अब हमें क्या करना है मैं यहीं से समझ गया हूँ। तो यार इस गाड़ी को हम फटाफट से इस मेयर को कुदा देते हैं और हमारा जेसन तो बहुत ही मतलब तगड़ा बंदा है जो कि गाड़ी के पहले ही कूद जाएगा। तो यार ये देखो मेयर की गाड़ी को हमने खाई के नीचे धकेल दिया और वहाँ पर मेयर की गाड़ी ब्लास्ट हो गई। लेकिन यार फिर भी देखो ये डेविल के कारण ये ना मेयर बच जाता है और फिर हमारा वहाँ पे आ जाता है जेसन। तो यार ये देख लो अब ये जो मेयर जो बहुत ज़्यादा इतरा रहा था ये देखो अब जेसन के कब्जे में आ गया है। तो यार फिलहाल तो हमने उस मेयर को ना मतलब जेसन ने उस मेयर को मतलब डेविल के हवाले कर दिया है। तो यार मतलब ये वाला मिशन काफ़ी ज़्यादा टफ था और बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसमें आर्मर हेल्थ किट और बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुई। तो यार फिलहाल तो मैं अभी अपने घर पहुंच गया हूँ। तो यार वीडियो ज़रा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना जो कि डेविल का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है जो कि इससे भी ज़्यादा टफ है। तो तब तक के लिए गुड बाय।